नई सरकार के वादों पर खरे न उतरने को लेकर इंदौर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांग को रखते हुए प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल जारी रखी है। 25 फरवरी से जारी इस हड़ताल में कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर मंगलवार को मधुविलन से रिगल चौराहे तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल की, साथ ही अपनी नियमितीकरण को लेकर 2 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। मंगलवार हड़ताल के दूसरे दिन सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर इंदौर के मधुमिलन चौराहे से रेगल चौराहे तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ प्रभारी नीतू का कहना है कि 2013 से लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। प्रदेश की नई सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आते ही नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हालात वही हैं। यदि आगे भी स्थिति यही रहती है तो अनिश्चितकाल हड़ताल पर उतरने से भी वो लोग नहीं कतराएंगे।